गुड मॉर्निंग। कल एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी घटना घटी है तो सोचा पहले उस पर बात कर ले। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी ने मसूद अजहर जैसे मोहम्मद का जो हेड है उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया। ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी है इसको अलकायदा या तालिबान कमेटी के नाम से जाना जाता है और इसमें जो 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 अन्य सदस्य हैं, तो इसकी एक कमेटी इसी काम को लेकर के कि आतंकवादी संगठनों को लिस्ट करना, उनको बैन करना, तो उसमें जो P3 हैं, जो परमानेंट जो ग्रुप है, परमानेंट ग्रुप है US, UK और फ्रांस, इसने रेजोल्यूशन रखे, इसने रिक्वेस्ट रखी कि मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। अभी तक सफलता नहीं मिल रही थी। इधर अमेरिका ने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से क्या किया कि एक ड्राफ्टिंग रेजोल्यूशन रख दिया आउटसाइड द 1267 कमेटी। अब उसमें ओपन डिस्कशन की बात थी और अब चाइना के साथ ये मुसीबत आ गई कि या तो वो लिस्ट करने में, मसूद अजहर को आतंकवादी लिस्ट करने में मदद करेगा, और यदि वो ऐसा नहीं करेगा फिर तकनीकी कारणों से या अन्य कारणों से वीटो लगाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये माना जाएगा कि वह आतंकवाद के साथ है। तो अब चाइना ने ये मुनासिब समझा कि अब रोड़ा ना लगाया जाए। इसको लेकर के अब दोनों तरफ से बयानबाजी होना स्टार्ट हो गया है, प्रारंभ हो गया है। चाइना, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा है कि दिस इज नॉट विक्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि उसमें पुलवामा अटैक के कारण किया जा रहा है ऐसा कौन सी कमेटी ने नहीं कहा है। हमको चाहिए भी नहीं ये कहना कि ये हमारी जीत है। मुझे लगता है कि यह हमसे ज्यादा पाकिस्तान की ही जीत है। क्यों पाकिस्तान की जीत है? क्योंकि ये पक्की बात है कि हमको तो मसूद अजहर कभी कभी नुकसान पहुंचाता है लेकिन पाकिस्तान के लिए तो परमानेंट नासूर है। ये तो पाकिस्तान की आवाम के हित में है कि उसे आतंकवादी घोषित किया गया है, और जितने भी लोग हैं यदि उनके साथ भी यही रवैया हो जाए तो निश्चित रूप से ये पाकिस्तान के लिए बड़ी जीत होगी। और यह जीत वास्तव में शांत की है। इट इज द विक्ट्री ऑफ नॉन वायलेंस ओवर वायलेंस। और हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के को अपनाने में, और निश्चित रूप से चाहे आतंकवादी से त्रस्त राष्ट्र हों और चाहे आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्र हों, हमको एक नीति जो चलनी चाहिए वो गांधी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। गांधी जी ने अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ जब अपने आंदोलन मूवमेंट चलाए थे तो उन्होंने अपना नाम दिया था पैसिव रेजिस्टेंस, जो उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म खोला था। तो उस समय, लेकिन बाद में गांधी जी ने अपने जो तरीका था उसका नाम बदल करके, पैसिव रेजिस्टेंस के नाम को बदल करके सत्याग्रह कर दिया था, होल्डिंग टू द फास्ट। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे गांधी को लेकर के, और तब हम आपको बताएंगे व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन पैसिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह। लेकिन यहां पर हम इतना बता देना चाहते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह का इतना मतलब है कि देर इज नो वन हु इज विक्टर एंड देर इज नो वन हु इज विक्टिम, देर इज नो वन हु इज विक्टोरियस एंड देर इज नोबडी हु इज वैंक्विश्ड। मतलब कोई हारता कोई जीतता नहीं है। पैसिव रेजिस्टेंस में यह होता है कि हम हराते हैं किसी को, हाँ, मींस ऑफ डिफीट, मींस ऑफ फाइट आर नॉन वायलेंट, ये पैसिव रेजिस्टेंस होता है। लेकिन सत्याग्रह में कोई हारता नहीं कोई जीतता नहीं, दोनों लोग जीतते हैं, पक्ष और विपक्ष, जिसके खिलाफ सत्याग्रह अपनाया जाता है वो भी और जिसके पक्ष में अपनाया जाता है वो भी, तो बोथ आर विक्टोरियस, क्योंकि जीतता क्या है? सत्य जीतता है। तो सत्य क्या है? नॉन वायलेंस। असत्य क्या है? टेररिज्म। तो ये टेररिज्म की हार है और पीसफुल माने शांति को पसंद करने वालों की जीत है।
तो ये पाकिस्तान अवाम की भी जीत है, पाकिस्तान राष्ट्र की जीत है, हिंदुस्तान सहित सारे संसार के जो ह्यूमनिस्ट हैं, मानवतावादी लोग हैं, ये उनकी जीत है। टेररिज्म किसी एक कौम के खिलाफ, किसी एक राष्ट्र के खिलाफ, किसी एक सरकार के खिलाफ ही नहीं है, वो पूरी मानवता के खिलाफ है। जब तक हम टेररिज्म को राष्ट्रीय या सरकारी खाकों में बांटेंगे, फलाना स्टेट धमाका स्टेट में बांटेंगे, तब तक टेररिज्म जीतता रहेगा और तब तक हम हारते रहेंगे। टेररिज्म की कोई भी नेशनल बाउंड्रीज हमको नहीं स्वीकार करनी चाहिए, टेररिज्म के किसी मजहबी सीमा रेखा को नहीं स्वीकार करना चाहिए। और एक मजेदार बात हम यह भी कहना चाहते हैं कि जिस आतंकी संगठन का ये मुखिया है उसका नाम है जैश-ए- मोहम्मद, तो जैश-ए- मोहम्मद का मतलब है द आर्मी ऑफ मोहम्मद। तो एक बात हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह वस्तुतः मोहम्मद की वास्तविक आर्मी की भी जीत है। मोहम्मद कभी भी ऐसी आर्मी को सैंक्शन नहीं करते जो हिंसा पर, जो कत्ल पर, वो निर्दोष बच्चों पर, औरतों के ऊपर जुल्म ढाने के नाम को अपनी आर्मी कहता। तो ये वस्तुतः मोहम्मद के पैगाम की भी जीत है और ये वक्त भी है हमें साबित करने का कि अमन और ईमान, शांति, मोहब्बत, यही संदेश हो सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब के, ये आतंक नहीं हो सकता। तो ये नकली नाम की भी पराजय है। मोहम्मद के नाम पर आतंकवाद, खून खराबा की का जो ये ढकोसला कर रहा है व्यक्ति, तो ये नकली, ये तालिबानी जो आतंकी इस्लामिक गलतफहमी के शिकार लोग हैं, ये उनकी भी पराजय है और ये वस्तुतः सत्य की असत्य पर जीत है। दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में हम पूरा, हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो चुका है। आज की तारीख में कोई राष्ट्र, जब हम अंतर्राष्ट्रीय नीति अपनाएं तो ध्यान रखें वो जमाना चला गया कि या तो हम इजराइल के साथ रहेंगे या अरब के साथ रहेंगे, या तो हम रूस के साथ रहेंगे या अमेरिका के साथ रहेंगे, वो जमाना चला गया। अब वो जमाना चला गया कि वन गेन वन लॉस, ना सारा सब कुछ चाहिए, पूरा आसमान चाहिए, पूरी धरती चाहिए इस मानवता को समृद्धशाली, शांतिप्रिय, मोहब्बत से लबालब भरे होने के लिए, राष्ट्रों के आपस के जो झगड़े हैं उनके ऊपर उठ करके पूरे राष्ट्र को एक पूरे वाकई में सच्चे अर्थों में एक संपूर्ण राष्ट्र को एक गाँव में बदल देने का एक हमारे अंदर जज्बा भी चाहिए। तो अब हम इस तरीके से नहीं बांट के देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान हार रहा है या चाइना जीत रहा है। चाइना का निश्चित रूप से आर्थिक इसमें हित इन्वॉल्व है, उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और पाकिस्तान में जो सत्ता चलती है वो वहाँ की सरकार की नहीं चलती है, वहाँ पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, सेना की भी उतनी नहीं चलती है जितने वहाँ सैकड़ों जो आतंकवादी संगठन है उनकी चलती है। तो चाइना नहीं चाह रहा था कि हम मसूद अजहर से पंगा ले और हम अपने आर्थिक हितों को जो है स्टेक पर रख दें। तो ये वस्तुतः आर्थिक हित का टकराने की बात थी। तो चाइना को लगा कि जो हम मसूद के साथ खड़े होकर के जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर रहे हैं, तो इसकी कीमत पर जो अंतर्राष्ट्रीय जगत पे हमारी इमेज बनेगी, उससे जो लंबे समय में हमारे आर्थिक नुकसान होंगे उनकी कीमत ज़्यादा होगी और ये जो हमको मिल रहा है ये कम होगा। तो उसने जब तराजू पर रखा अपने गेन एंड लॉस को, लाभ और हानि को, तो उसको लगा कि अब हमको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ जाने में ज़्यादा सुविधा है। लेकिन हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, स्पेशली पाकिस्तान और भारत के कैसे संबंध होने चाहिए इसके बारे में हमारा मानना है कि इसे ना ही पाकिस्तान को, पाकिस्तान राज्य को वो अपने डिफीट और अपने फेस फॉलिंग की तरह लेना चाहिए और वहाँ की जनता को तो निश्चित रूप से इसे भारत की जनता के साथ स्वर मिला करके दोनों लोगों के राष्ट्र के विजय इवेंट के रूप में, द इवेंट ऑफ द विक्ट्री फॉर वो द नेशन के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए। ये मसूद अजहर और आतंकवाद की पराजय है और भारत और पाकिस्तान सहित दोनों आवामों के शांतिप्रिय और मोहब्बत भरे जिंदगी की और सत्यनिष्ठा की, इट इज द विक्ट्री ऑफ द नॉन वायलेंस ओवर द वायलेंस, इट इज द विक्ट्री ऑफ द ट्रुथ ओवर द अनट्रुथ। और ये विक्ट्री जो है ये भारत और पाकिस्तान सहित संसार के सारे शांतिप्रिय लोगों की विजय के रूप में इसे देखना चाहिए और ये आतंकवाद के कमजोर होने की एक कड़ी के रूप में लेना चाहिए। सिलसिला बहुत दूर तक चलेगा, बहुत धैर्य के साथ
आतंकवादी समूहों से लड़ने की जरूरत है और लड़ने की प्रक्रिया में हम आपस में न बढ़ जाएं, ये बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते आपस में बटे और बटने का परिणाम अभी तक भुगत रहे हैं। तो ये आगे की पीढ़ियों के लिए जरूरी है, वर्तमान पीढ़ियों के लिए जरूरी है कि हमें दुश्मन को ठीक से पहचान करके दोस्तों को भूलने की गलती नहीं करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि लड़ने की प्रक्रिया में हम स्वयं में तो नहीं बिखर रहे हैं। ऐसा आज के लिए भी सच है, पहले भी सच था कि जब हम आतंकवाद से लड़ते हैं तो ये देखें आतंकवाद से लड़ने की प्रक्रिया में हम कहीं अपने माने सहधर्मियों को और अपने साथ साथ चलने वालों को तो नहीं खोते जा रहे हैं, हम आतंकवाद के नाम पर ऐसी दुश्मनी तो नहीं पाल ले रहे हैं जो मानवता के लिए अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है मसूद अजहर के वो जब लिस्ट किया गया है, इसके जो परिणाम होंगे उसको ट्रेवल बैन किया जाएगा, उसके संसाधनों को फ्रीज कर दिया जाएगा, माने एसेट फ्रीज होंगे, उसके ट्रेवल बैन होंगे और जो आर्म्स है उस पर निश्चित रूप से नियंत्रण लगा दिया जाएगा। तो ये बड़ी अब मसूद अजहर जो है वो कहीं जा नहीं सकता, कोई राष्ट्र उसको रिसीव नहीं करेगा और उसके जहां जहां जो जो संसाधन होंगे वो सब फ्रीज कर दिए जाएंगे और उसको आर्म्स की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर उस पर पड़ेगा, क्योंकि बगैर फाइनेंस के, बगैर आर्थिक संसाधनों के इतने खर्चीले व्यापार को नहीं चलाया जा सकता। व्यापार ही मैं उसे जानबूझ करके कह रहा हूँ, क्योंकि वस्तुतः ये आतंक के नाम पर व्यापारी है जो भारी मात्रा में अर्थतंत्र को प्रभावित करके और उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये वस्तुतः एक नए प्रकार का इंपीरियलिज्म है जो टेररिज्म के नाम पर चलाया जा रहा है। इसके डिटेल में कभी हम और बात करेंगे इस अर्थ को समझाने के लिए। मुझे लगता है कि ये आतंकवाद को लेकर के हमारे नजरिए में क्लैरिटी होनी चाहिए और इस मसूद अजहर के माध्यम से मैंने ये बात आपसे शेयर की है। थैंक यू।